आंसर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया था आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है और जो भी स्टोरी है और जो भी क्वेश्चन था वो उसका आंसर भी आपने नोटबुक में लिख लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा ठीक है तो आज मैं आपको इसी चैप्टर के जो आगे का है वो मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ यानी पेज नंबर वन सिक्सटी से हम पढ़ेंगे ओके okay? तो चलो स्टार्ट तो क्या है वट्स शुड आई डू ठीक है तो हम क्या करें तो यहाँ पे क्या है अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच अक्षय जो है वो अपने ग्रैंड मदर को दादी माँ को बहुत ही प्यार करते हैं प्यार करता है हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो लव्स हिम डियरली सी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी अपने मतलब अक्षय को बहुत ही प्यार करते हैं और वो क्या था बहुत ही मतलब क्लीननेंस मतलब उनको सब कुछ साफ रखना बहुत ही पसंद था एकदम पर्टिकुलर था साफ सफाई में बहुत ही ध्यान देते थे तो अनिल इज अक्षय फ्रेंड अनिल जो है अक्षय का फ्रेंड अक्षय का हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू उसके ग्रैंड मदर अनिल को बहुत ही पसंद करते हैं बट वन थिंग दैट सी टेल्स अक्सर अगेन एंड अगेन इज दैट ही शुड नेवर इट और ड्रिंक एनी थिंग एट अनिल्स हाउस और फिर भी उस उनको वो अक्सर को हमेशा ही है कहते हैं बार बार कहते कि कभी भी मतलब उनके घर जाओ तो पीना नहीं है ठीक है अनिल्स के घर में कुछ पीना नहीं है या खाना नहीं है खाना व पीना नहीं है ईट और ड्रिंक बिकॉज फ्रिक्वेंटली सम वन और द अदर एट हीज हाउस इज सिक मतलब क्या होता है सभी के घर साफ सफाई नहीं होता है सबके घर में अलग अलग होता है साफ सफाई ओके okay. तो इसीलिए ताकि बीमार ना पड़े ओके okay. किसी के घर में खाना खा के खाने के बाद वो बीमार ना पड़े इसीलिए वो अनिल के घर में कुछ भी खाना या पीना पीने के लिए अक्सर के दादी माँ जो है वो मना करते हैं वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल हाउस एक बार मैच था एक वॉलीबॉल का मैच था बड़ा सा ग्राउंड में पास में ही अनिल के घर घर के पास में एक ग्राउंड है वहाँ पे मैच था इट वॉज़ हॉट डे एंड एवरीबॉडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी अपटर द मैच मतलब बहुत ही गर्मी का दिन था तो सभी लोग एकदम मैच खेलने के बाद थक गए टायर्ड हो गए और प्या, प्यास भी लगे हैं थर्स्टी हो गए तो अनिल इन्वाइटेड एवरीबॉडी टू तो हिज होम अनिल सबको अपने घर में बुलाए अनिल मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे देक इट मतलब सबको अनिल के जो मम्मी है उन्होंने सबको पानी दिया और सबने पानी पी लिया वेन अनिल हैंडेड अक्सय अ ग्लास ऑफ वाटर अनिल जब अक्षय को मतलब पानी दिया ही सडनली रिमेम्बर्ड हिज ग्रैंड मदरस वर्निंग मतलब अक्षय को जब मतलब अनिल के हाथ से अक्षय जब पानी के ग्लास लेने लेने गए uh, तो तभी उसको अक्षय को याद आ गया कि उसके जो ग्रैंड मदर था उसको वर्निंग दिया था कि कभी भी किसी के घर अनिल के घर में कुछ भी खाना या पीना नहीं है तो अक्षय स्टेड एट अनिल नॉट नोइंग वाट टू डू मतलब उसको अनिल को मतलब आ, वो घबरा गए और उसको आ, उस समझ में नहीं आया कि क्या करे ठीक है प्यास भी लगे है तो पानी उसके दादी माँ मना भी कर कर किया है कि अनिल के घर में पानी नहीं पीना है कुछ भी खाना नहीं है और जब मैच था मैच खेलने के बाद प्यास भी लगे तो वो क्या करे पानी पिए मतलब ग्लास ले पानी का ग्लास ले उसके हाथ से और पानी पिए कि नहीं पिए ठीक है तो यहाँ पे स्टोरी खत्म ठीक है तो नेक्स्ट टॉक अबाउट इट व्हाट डू यू थिंक अक्सर विल डू आपको क्या लगता है मतलब अक्सर क्या करना करेगा अक्सर कंफ्यूज्ड मतलब क्यों अक्सर कन्फ्यूज है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू यू थिंक अक्सर ग्रैंड मदर वर्ल्ड ही नॉट टू ड्रिंक इवेन वाटर एट अनिल्स हाउस क्यों मतलब उसके अक्षय के ग्रैंड माँ दादी माँ की वार्निंग दिया मतलब उसको अक्षय को पानी पीने के लिए अनिल के घर में पानी पीने के लिए क्या कुछ भी खाने के लिए मना किया डू यू एग्री विथ अक्स ग्रैंड मदर क्या आप अक्षय के ग्रैंड मदर को मानते हो मतलब एग्री करते हो उन्होंने जो कहते हैं वो क्या मानने करते हो आप एग्री हो उनके बातों से वाट डू यू थिंक अक्सय शुड डू आपको क्या लगता है अक्सय क्या करेगा तो इन सभी का क्वेश्चन का आंसर है या ठीक है चलो देखते हैं आंसर क्या है वाट डू यू थिंक अक्सर विल डू तो आई थिंक दैट अक्सर शूड ड्रिंक द वाटर आई थिंक दैट ही विल ड्रिंक इट मतलब हमें लगता है कि अक्सर पानी पिए पानी ले लेगा पानी का ग्लास और वो आ, पानी पिएगा ओके okay. जो पानी है वो उसको पीना है मतलब पीना चाहिए पिएगा नेक्स्ट टू में था व्हाई वाज अक्षय कंफ्यूज क्यों कंफ्यूज था क्योंकि अक्षय वाज कंफ्यूज बिकॉज़ हिज ग्रैंड मदर हैड FORBIDDEN हिम टू इट और ड्रिंक एनीथिंग इन अनिल्स हाउस बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द ग्लास ऑफ वाटर दैट हिज फ्रेंड वाज ऑफरिंग टू हिम पर उसको जो ग्रैंड मदर था उन्होंने मना किया साफ-साफ कि अनिल के घर में कुछ भी खाना पीना नहीं है लेकिन वो इस सिचुएशन में क्या करेगा मतलब फिर पूछ था कि ग्लास और पानी का जो ग्लास था वो उसके फ्रेंड के हाथ से ले जो ऑफर किया उसके जो फ्रेंड फ्रेंड अनिल तो वो क्या करे लेना है कि नहीं है ठीक है इसलिए वो कन्फ्यूज था व्हाई डू यू थिंक अक्सर ग्रैंड मदर वांड हीम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर एट अनिल्स हाउस तो आंसर आएगा अक्सर ग्रैंड मदर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट के घर में मतलब हमेशा बीमार रहते हैं मतलब कोई अनिल के घर में कोई भी हमेशा कोई ना कोई हमेशा बीमार रहते हैं तो सो इन परमानेंट ऑफ अनिल्स होम मतलब अनिल के घर में बीमारी परमानेंट है मतलब उसके घर में हमेशा ही कोई ना कोई बीमार रहते ही है परमानेंट है तो इसलिए अक्षय के जो ग्रैंड माँ है वो अनिल के घर में कुछ भी खाने पीने के लिए मना किया ताकि कोई बीमार ना पड़े सो इलनेस हैज़ मेड अ परमानेंट ऑफ अनिल्स हाउस होम सो इफ अक्साइज ड्रिंक्स वाटर एट अनिल्स हाउस इट इज पॉसिबल डैट ही टू में फॉल सीख डू टू दिसर फॉर विम टू इवन ड्रिंक वाटर इसीलिए ताकि वो बीमार ना पड़े ओके okay? तो नेक्स्ट क्या है डू यू एग्री विथ एक्साइज ग्रैंड मदर यस आई एग्री विथ एक्साइज ग्रैंड मदर बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी वन टू Um, maintain cleanliness and hygiene hygienic uh, illnesses ran away from cleanliness if cleanliness and hygiene hygienic were maintained maintained at anil's house people would not have fallen uh, sick frequently Mala? हाँ मानते हैं अक्सर के जो ग्रैंड मम्मी हैं उन्होंने जो मना किया वो सही बात है ताकि क्लीननेस साफ़ सफाई रखोगे मेंटेन करके रहोगे हाइजीनिक रखोगे तो क्या है बीमारी भी छू नहीं पाएगा बीमार नहीं आएगा तो दूर भागेगा ठीक है और अगर आप गंदा रखोगे क्लीननेस नहीं रहोगे हाइजीनिक नहीं रखोगे तो वो बीमारी जल्दी पकड़ लेगा तो बीमार पड़ोगे इसीलिए अनिल के घर में हम हाइजीनिक क्लीनेस कोई भी मेंटेन नहीं है ओके okay, बीमार रहते हैं तो इसीलिए वो लोग हमेशा बीमार रहते क्योंकि साफ सफाई नहीं करते घर में साफ सफाई नहीं है वाट डू यू थिंक अक्साइज शूड टू तो आई थिंक अक्साइज सूड चेक चेक द ग्लास फर्स्ट ऑफ ऑल इट इफ इट इज नॉट क्लीन और द वाटर इन इट इज नॉट perfectly clean he should draw anil's attention to it he should talk frankly with anil about cleanliness he should make anil ever aware, aware about the reason for his family members feeling sick frequently and make him understand the importance of cleanliness and hygienic तो उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ़ ऑल के साफ़ है पानी साफ है परफेक्ट है नहीं तो क्या है उसको बोल अगर नहीं है साफ तो उसको फ्रेंडली मतलब एकदम फ्रेंडली बोल देना है कि साफ नहीं है साफ करके देना है और उनको कारण भी पता क्योंकि उसके घर में बीमारी रहता है हर मेंबर्स कोई ना कोई बीमार रहते तो इसलिए उस बात को उसको ध्यान देना चाहिए और अगर वो कहेंगे तो वो समझ सकेंगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट जरूरी है क्लीननेस एंड हाइजीनिक रखना जरूरी है वो समझ सकेंगे ठीक है नेक्स्ट है हु विल डिसाइड फिर मतलब कौन डिसाइड किया कौन डिसाइड करेगा कर्सन कम्स फ्रॉम अ नेक्स्ट मतलब स्टोरी है उसी चैप्टर का क्या है देखते हैं कर्सन कम्स फ्रॉम अ लार्ज फैमिली ही जिल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली देयर फील्स मनी मैटर्स एक्सेट्रा ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली मतलब पहला स्टोरी क्या था कि क्या करे क्या कर मतलब क्या करे वट आई डू और यहाँ पे है कौन डिसाइड करेगा अभी जैसे कि करसन है कम्स फ्राम अवर लार्ज फैमिली उसके बड़ा फैमिली है बड़ा फैमिली से है तो उसका जो एल्डर अंकल बड़े अंकल है बड़ा अंकल एल्डर अंकल वो फैमिली को देखभाल करते हैं और खेती का पैसे का जो भी मैटर्स है वो करते हैं वही डिसाइड करते हैं कुछ भी तो घर में जो भी मतलब छोटा मोट बड़ा जो भी कुछ काम है थिंग्स एंड चीज़ें वो फैमिली में डिसाइड करते हैं ट नाउ करसन हैज वर्क इन द फील्डन जो है खेत में फील्ड में काम कर रहे थे है न काम करके आया तो काम करते बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समिफरेंट तो अभी वो चाहता है लेकिन अभी वो क्या चाहता है कि कुछ अलग करे तो वो कर्सन जो है खेत में काम करता है और वो क्या चाहता है कि कुछ अलग करे ही वुड लाइक टू ब्रो बरो मनी फ्रॉम अ बैंक एंड चेक चक्की फ्लोर ग्राइंडर मशीन टू ग्राइंड ग्रेन तो वो वो, वो क्या मतलब उसको uh, बैंक से कुछ पैसा लेके आए और उसको चक्की यानी जो फ्लोर ग्राइंडर कहते हैं ना जहाँ पे आटा पिस गेहूँ पिसाते हैं उसका मशीन ग्राइंड मतलब उसको लेना है ग्राइंड करने के लिए तो वो लेके आए उसको पसंद है वही वही काम करना उसको क्या वो चाहता है कि बैंक से कुछ पैसा लेके आए और उस पैसे से चक, चक्की खोले और एक चक्की के लिए एक मशीन ग्राइंड लेके आए ठीक है तो देयर इज नो सच मशीन इन देर विलेज क्योंकि गांव में ऐसे मशीन नहीं है ठीक है तो करसन इज कॉन्फिडेंट

पर उसके जो बड़े अंकल हैं वो इस बात से एग्री नहीं है तो यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट हुआ अब नेक्स्ट है क्वेश्चन ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ है तो फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू वायर इन कर्सन प्लेस व्हाट वुड तो तुम्हें क्या लगता है कि कर्सन जहाँ पे

जनरेशन इवेन देन इफ ही वुड नॉट अंडरस्टैंड आई वुड हैिजनेस वर्क वेरी हार्ड एंड मोर मनी विथ लेस अफर्ट एंड प्रूवड माई पॉइंट तो अगर इस यहाँ पे क्या स्टोरी था कि कर्सन जो है आ, वो खेती में काम करता है उसका जो अंकल है बड़े अंकल वही सब कुछ डिसाइड करता है ना उसमें वही सब कुछ डिसाइड करते हैं हर छोटी मोटी का बात जो है चीज़ पर पर्सन को अलग कुछ करना था तो उसको क्या करना क्या चाहता था कि चक्की खोले और चक्की के लिए एक मशीन लेके आए क्योंकि गांव में एक भी मशीन नहीं है तो उसको पैसे की बहुत जो मतलब और भी मोर मानी परिवार से हेल्प हो जाए और ज़्यादा माने के लिए पैसे के लिए तो उसके पापा भी इस बात से एग्री था पर उसके अंकल जो था वो एग्री नहीं था वो नहीं मानते थे नहीं माना तो मैं अगर उनके जगह में होती तो मैं क्या करती से पहले उनको एक्सप्लेन करती हर चीज़ के लिए बताती कि क्या बेनिफिट है क्या फ़ायदा है क्या लाभ है मतलब न्यू बिज़नेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या फ़ायदा है बेनिफिट होगा ये सब समझाते अगर फिर भी अगर उनको समझ में ना आया ना आता तो वो स्टार्ट कर देता मतलब मैं स्टार्ट कर देती बिजनेस न्यू बिज़नेस और, और भी काम मतलब पैसे के लिए और मुझे ज्यादा पैसा मतलब बिजनेस के लिए चाहिए तो उसके लिए बहुत हार्ड हार्डवर्क करता और बहुत सारे पैसे कमाता और प्रूव कर देता ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़ इट एवर हैपेंड विथ यू दैट यू वांटेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट एलो यू तो आंसर आएगा येस सच सच with me once my society friends uh, my society friends were going to play cricket on a ground a little way away from our society i wanted to go with them to play but my grandfather knew that to their three of the boys were very naughty so he forwarded me to go with them and told me to play in the society itself love कि अगर कुछ हैपन हो जाए दैट तुम्हारे साथ तुम चाहते हो कि समथिंग कुछ करना चाहते हो घर तो तुम्हारे जो बड़े हैं फैमिली में वो अलाउ नहीं करते हैं ऐसा घटना घटे है तुम्हारे साथ के आज इट एवर हैपन दैट ऐसा घटना तुम चाहते हो कुछ करने के बाद तुम्हारे एल्डर जो है वो नहीं माना अलाउ नहीं किया तो हाँ यस ऐसा हुआ है एक बार मेरे सोसाइटी में फ्रेंड्स था तो लोग खेलने जा रहा था क्रिकेट खेलने के लिए गया था तो मैं छोटा था तो हमारे सोसाइटी में तो हमारे जो फैमिली में ग्रैंड फादर है मेरे तो वो नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी में दो दो तीन बॉयज ऐसा है जो बहुत नोटी है तो इसीलिए वो नहीं माना था खेलने के लिए नहीं जाने दिया नेक्स्ट है हु डिसंस इन योर फैमिली बोला ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो आपके फैमिली में कौन लेते तो माई पेरेंट्स टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन माई फैमिली इफ नीडेड दे टॉक विथ वन एंड अदर वन एल्डर मेम्बर ऑफ द फैमिली बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग मेरे घर में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो मेरे पेरेंट्स लेते हैं और कुछ भी चाहिए है तो बात करते एक दूसरे से बड़े से बड़े में फैमिली में जो बड़े हैं उनसे बात करते डिसाइड करते नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू फील इफ ओनली वन परसन टेक्स ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली मतलब आई वुड नॉट लाइक इट और इट एट ऑल डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसल्ट कंसल्टिंग एवरी वन इन द फैमिली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबको कुछ भी काम है वो सबको फैमिली में बता के करना है ना फैमिली के साथ डिस्कस करके वो काम करना चाहिए तो नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टोरी है आई डोंट लाइक इट मतलब नहीं है तो मीना एंड रितु वाई आर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग क्या है लंगोरी रितु, है, रितु uh, अपने घर में होम आफ्टर प्लेइंग घर uh, मतलब घर में लंगोरी खेलने के लिए गया गई है. तो उस, मीना आ, मीना जो है रितु के हैंड पकड़ के खींचने लगा कि आओ आओ मेरे घर में आओ हमें खेलना है लंगोरी खेलना है तो खेलने के लिए चलो तो ऋतु हैंड पकड़ के रितु के जो हैंड है वो पकड़ के मीना लेके आए इज योर अंकल एट होम उसके घर में अंकल था इफ तुम्हारे घर में अंकल है इफ़ ही इज इफ ही इज आई विल नॉट कम रितु आंसर आ, उसने आंसर दिया मैं अभी गए नहीं हूँ uh, मैं अभी नहीं जाऊँगी इज योर अंकल एट होम तुम्हारे घर में अंकल है तो मैं अभी नहीं जाऊंगी बट वाई डू यू से दैट अंकल लाइक्स यू ही फ्रेंड यू टू एट होम एंड आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स तो लेकिन उसने बोला क्यों क्यों नहीं जाओगे तुम तो मेरा जो अंकल है तुम्हें पसंद करते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड रितु को घर में लेके आना तुम दोनों साथ में खेलना और तुम दोनों को हम मैं बहुत ज्यादा चॉकलेट दूंगी रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सिंग दैट आई एम स्कियर्ड ऑफ योर अंकल आई डू नॉट लाइक इट वन ही इवेंट टचेज माई हैंड सिंग दिस रितु वेंट होम तो रितु मीना केह खींच के बाहर लेके आई और उसको बोला सेंग के पर मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है डर लगती है मुझे पसंद नहीं है जब वो मेरा हाथ टच करे टच करती है सेंग दिस रितु वेंट होम फिर ऐसे बोल के रितु घर में गए हो गया यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक अबाउट दिस क्या हैव है, यू एव आर डिस एनी बॉडी टच हुज टच डिड यू डिसक नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वेर एट रितुज प्लेस वट ड यू डू अगर तुम रितु की जगह में होती तो तुम क्या वट इल्स कैन बी डन वन सच थिंग हैपन डिसकस एवरीबॉडीज टच इज़ नॉट द सेम रितु डि नॉट लाइक इट वेन मीनाज अंकल होल्ड आर हैंड बट सी लाइक टू होल्ड मीनाज हैंड वाई डू यू थिंक दे आर वॉज दिस डिफरेंस तो यहाँ पे मतलब रितु और मीना फ्रेंड है और मीना चाहती है कि रितु उसके घर में जाए और उसको हाथ पकड़ के खींच के लेके आए कि चलो हम लंगोड़ी खेलते आओ आओ मेरे घर में आओ और पर रितु जो है वो आंसर किया कि नहीं मुझे नहीं जाना है तुम्हारे अंकल घर में है तो मुझे नहीं जाना है तुम्हारे घर में तो मीना ने कहा कि क्यों नहीं जाओगे मेरा अंकल तो तुम्हें तो बहुत पसंद करते हैं वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड रितु को ले आना तुम दोनों को मैं बहुत सारे चॉकलेट दूंगी पर रितु उसके हाथ खींच के बोलते हैं कि नहीं मुझे तुम्हारे अंकल से मुझे डर लगती है तब जब वो मुझे टच करता टच है, करते हैं तब तो मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे ये पसंद नहीं है ठीक है कह के रितु तो अपने घर चली जाती है तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्वेश्चन का आंसर पहला क्वेश्चन का आंसर है यस माय फ्रेंड आशा संकल यानी मामा uh, comes to her house many times whenever he comes he touches me which i do not like this is because he hugs me and caresses me and i do not like it matlab इट मतलब हैवी वेवर डिस लाइक एनी बज टच मतलब तुम्हें ऐसे कोई भी टच का तुम्हें पसंद नहीं है कुछ टच डिड यू डिसलाइक मतलब किसका टच तुम्हें पसंद नहीं है तो हाँ मेरा फ्रेंड जो है आशा उसके अंकल जो है मामा घर में आते बहुत बार घर में आते तो, तो जब वो टच कर, करते हैं मुझे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब वो क्योंकि वो क्या करते मतलब हग्स कर, करते गले मिलते हैं तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ यू वायर एट रितुस प्लेस व्हाट वुड यू डू तो अगर रितु के जगह में होते तो, तो तुम क्या करते तो इफ आई वायर एट रितुस प्लेस मैं रितु के जगह में होती तो आई टू वुड have done just what ritu did i would keep well away from such people and i would not like to go to any place where such people are present so next question three what else can be done when such thing happen discuss so when such a thing happens once would try to find out the reason behind it it is quite possible that the person is quite innocent and has only good uh, thoughts in his heart mind however if there is any truth in the complaint then such people must be told to stop doing such thing they should also uh, be told that i will complain to my mother ever even after this if the person's behavior does not improve वंस यू टेल वंस पेरेंट्स इमिडिएटली एंड एक्सपोज सच पीपल मतलब ऐसे कोई घटना तुम्हारे साथ घटते हैं ऐसे तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तो तुम्हें क्या करना है अपने पेरेंट्स को बताना है कंप्लेन करना है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर एवरीबॉडीज टच इज नॉट द सेम मतलब सबके टच जो है छूने का वो सेम नहीं होता है रितु ये तो को बिल्कुल पसंद नहीं है जब मीनास के अंकल जो है उसके हाथ छूते पकर, हैं पकड़ पकड़ते हैं बट सी लाइक टू होल्ड मीनास हैंड पर उसको मीना जो हाथ पकड़ती है उसको पसंद मीना के हाथ छूने का वो पसंद करती है मीना जब हाथ तो उसको पकड़ती है तब उसको पसंद है पर मीनास के अंकल जब उसके हाथ पकड़ते हैं तब उन उसको पसंद नहीं है वाई डू यू थिंक देयर वज दिस डिफरेंस क्यों मतलब लगता है तुम्हें कि ये डिफरेंस क्यों अलग है मीनाज के हाथ छूना पसंद है पर उसके अंकल को छूना पसंद नहीं है सम पीपल्स आउटलुक एंड देयर बिहेवियर इज़ नॉट राइट और गुड मतलब ऐसा पीपल्स होता है कि बाहर से कुछ अलग दिखते हैं अंदर से कुछ और उनका जो बिहेवियर होता है वो अच्छा भी नहीं है और मतलब ठीक नहीं है और अच्छा भी नहीं होता है तो इट मे बी पॉसिबल दैट मीनास अंकल वॉज नॉट गुड टू लुक एट हो सके पॉसिबल हो, हो, हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मीनास को जो अंकल है उसका जो लुक है देखने का आ, आ, वो तरीका जो है देखने का वो अच्छा नहीं है और हिज बिहेवियर उनके जो बिहेवियर है वाज नॉट गुड और करेक्ट ठीक नहीं है अच्छा नहीं है सो रितु फेल्ड स्केयर तो इसीलिए रितु तो को डर लगता है डर लगती है ऑफ़ हिम एंड डीड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड तो इसलिए उसको पसंद नहीं है उनका छूना हाथ पकड़ना रितु एंड मीना आर फ्रेंड्स दोनों फ्रेंड्स है दे प्ले टुगेदर साथ में खेलते हैं स्टडी भी करते साथ में टुक तुग टुगेदर एंड आट टुगेदर फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत मतलब टाइम भी बिताती है समय बिताती है दोनों साथ में खेलती है पढ़ाई करती है साथ में टाइम भी बिताती है स्पेंड करती है सो रीत लाइक्स टू होल मीनास एंड तो इसीलिए उसको मीनास के हाथ पकड़ना अच्छा लगती है अच्छा लगता है ठीक है पर मीना के जो अंकल हैं, उनका बिहेवियर हो सकता है वो तो मतलब अच्छा नहीं है ठीक है इसीलिए उसको उनका छूना मीना को रितु रितु को पसंद नहीं है तो यहाँ पे जो हमारे ये चैप्टर है ट्वेंटी वन कंप्लीट ठीक है यानी पेज नंबर 165 तक है ये स्टोरी ये चैप्टर चैप्टर 21 हमारा कंप्लीट है द वर्ल्ड इन माय होम ठीक है आई होप फुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हेल्पफुल लगने से क्या करना है लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ओके थैंक यू सो मच